तो दोस्तों आज है संडे, आ गए हम एक और बार फिर Q&A 17 को लेकर, यानी Q&A 17 पहली बार ही आया है, लेकिन Q&A वाला वीडियो फिर एक बार आ गया है आप लोगों के लिए। हम लोग नंबर पर पहुंच गए 17, लेकिन इसमें कोई ख़तरा नहीं है, आप लोगों को सवालों के जवाब मिलेंगे, और आप लोगों के अगर कुछ सवाल हो तो आप लोग अपने भी सवाल पूछ सकते हो। अगर कोई पहली बार इस वीडियो में जुड़ा है तो मैं उनको ये बता दूँ कि Q&A के जो वीडियो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर के जो वीडियो होते हैं, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए होते हैं। इस वीडियो में जो भी सवाल या उनके जवाब दिए जाते हैं वो टॉकबैक या स्क्रीन रीडर को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग वीडियो को देखते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो फीमेल्स भी जाकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों कम्युनिटी टैब में मैंने एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है, और उस सवाल का जवाब काफ़ी सारे लोगों ने दिया भी है। तो जिन लोगों ने अब तक कम्युनिटी टैब को चेक नहीं किया, वहाँ पर कम्युनिटी टैब में जाए और उस सवाल को देखें और उसका जवाब दीजिए। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, उसका जवाब मैं कल शाम को शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, लेकिन आप लोग जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जानते हैं इस बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक करें। और हाँ, कॉम्पिटिशन आने वाले हैं तो कॉम्पिटिशन के वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं Q&A को, मैं हूँ आपका दोस्त जितुराज। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। पर पहला सवाल है सुनीता जी का, ये पूछते हैं लुई वॉइस कंट्रोल की सेटिंग कैसे करनी। तो इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखे है, आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारी चैनल के, वहाँ पर आपको लुई वॉइस कंट्रोल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जितेश जी यहाँ पर पूछते हैं क्लब हाउस में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो क्लब हाउस में फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नोटिफिकेशन के लिए होता है, नोटिफिकेशन फ्रीक्वेंसी आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। शानू कुरैशी जी पूछते हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का अपडेट कब देखने के लिए मिलेगा। तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का जब अपडेट आएगा तो आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा प्ले स्टोर में। ठीक है, मोहम्मद ताहिर जी पूछते हैं आपके इंट्रो में म्यूज़िक कौन सा है, इसका नाम बताएं। बामर MP3 है इसका नाम, इंट्रो में जो फर्स्ट बजता है वो। और ये सवाल 7-8 लोगों ने मुझसे पूछा है, तो चलिए आगे देखते हैं। विनीत जी पूछते हैं कि रेडमी के फ़ोन में मैसेज में अगर लिंक आए तो उसको कैसे खोले। आप टॉकबैक मेन्यू खोलिए, लिंक में जाइए, वहाँ से लिंक खोल सकते हो। राजा जी पूछते हैं कि अगर टॉकबैक के साथ फ़ोन को फास्टेस्ट यूज़ करें नॉर्मल लोग तो क्या फ़ोन ख़राब होगा। फ़ोन तो नहीं, लेकिन आपका फ़ोन का टचपैड ख़राब होने के चांसेस है। नॉर्मल लोग टॉकबैक के साथ क्यों यूज़ करेंगे, उनको क्यों देना है, आप नॉर्मल तरीके से उनको यूज़ करने के लिए बोलो। नूरप्रीत जी पूछते हैं लैपटॉप को बंद करने के बाद टाइमर चेंज हो जाता है, ऑटो टाइम सेट कर लीजिए सर, सेटिंग में जाके नहीं होगा। सागर दास जी पूछते हैं गैलरी में जाके फोटो का नाम रीनेम करना चाहते हैं, अगर रीनेम करने पर लोकेशन चेंज होगी कि मतलब फोटो कहाँ से मिलेगा। तो बिल्कुल आप नाम चेंज कर सकते हो, और नाम चेंज करने पर जहाँ पर पहले आपका फोटो होगा वही होगा, लोकेशन चेंज नहीं होगी। सचिन गुप्ता जी पूछते हैं गूगल असिस्टेंट को बोल के टॉकबैक को बंद या चालू कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल पहले होता था ये, अब नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। काइल जराइवर जी नाम गलत ले रहा होगा तो इसके लिए सॉरी। आइए पूछते हैं कि फ़ोन चलाते चलाते लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो ये एक्चुअली गूगल टेक्स्ट टू स्पीच अगर आप यूज़ कर रहे हो ना तो कोरियन लैंग्वेज आ जाती है। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का नया अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। रिहान जी कहते हैं कि एक्सेसिबल लॉन्चर। सर पहले तो थैंक यू आपके पहले वर्ड्स के लिए, वो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा है। तो आपको एक्सेसिबल लॉन्चर हमने एस्टेल लॉन्चर बताया था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉन्चर 3 और जो है सोल लॉन्चर आप यूज़ कर सकते हो। मोहम्मद लुकमान जी पूछते सैमसंग S10 लॉन्चर अच्छे से काम करता है। बिल्कुल अच्छे से काम करता है, आप इसको यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, कौशलेंद्र कुमार जी पूछते एक मिनट से बड़ा वीडियो व्हाट्सएप में कैसे लगा, इसके लिए व्हाट्सएप का एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो आप। शॉर्ट पूछते हैं कि म्यूज़िक कौन सा यूज़ कर सकते हो इंट्रो बनाते समय, जो मैंने ऊपर आपके सवाल का जवाब दे दिया आप उसको यूज़ कर सकते हो। केशव जी पूछते हैं हाउ टू अर्न मोर रिवॉर्ड्स फ्रॉम गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमें लेकिन मास्क लगाकर सैनिटाइजर हाथ में लेकर घूमें, आपकी लोकेशन चेंज होती रहेगी, गूगल आपको रिवॉर्ड्स भेजता रहेगा, आपको प्ले स्टोर में बैलेंस मिलता रहेगा।
पिंटू कुमार जी पूछते हैं इसी को यूज़ करते समय IRCTC एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जरूरी है या नहीं। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस IRCTC का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। दिशा जी पूछते हैं अच्छी सी वीडियो एडिट करके कैसे बना सकते हैं। अच्छे से एप्लीकेशन यूज़ करके आप अच्छी सी वीडियो बना सकते हो, वीडियो शो, ऑडियो लैब, इन एप्लीकेशन का यूज़ करके। दिनेश जी पूछते हैं क्या क्लब हाउस विंडोज़ पर एक्सेसिबल है या नहीं। जी बिल्कुल है, इसके लिए वीडियो कोशिश करेंगे लेकर आने के लिए। MD अरशद जी पूछते हैं फेसबुक पोस्ट को सभी को एक साथ कैसे भेजे। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप एक बार कॉपी पेस्ट करके ही भेज सकते हो, शेयर करने पर सारे ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए तो कोई ऑप्शन आता नहीं है वहाँ पर, और वो थोड़ा सा हैंग भी कर देता है। शिवम शर्मा जी पूछते हैं काइन मास्टर क्या हम एक्सेसिबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं नहीं। सर देखिए उसके लिए कोशिश जारी है मेरी, जैसे ही मैं एक्सेसिबल तरीके से यूज़ कर पाऊँगा तो मैं आप लोगों को भी सिखा दूँगा। अजीज़ मंसूरी जी पूछते हैं लैपटॉप में एप्लीकेशन की कैसे बनाए। तो सर देखिए ये जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बनाना। FN की को आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन जैसे मोबाइल में रिकवरी मोड होता है वैसे वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर स्क्रीन रीडर काम नहीं करता है, तो इसके लिए कोई ऑप्शंस ढूंढ के ज़रूर इस पर वीडियो बनाया जाएगा। ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के लिए है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो ज़रूर इसके लिए कुछ ढूंढते हैं, है ना। आगे देखते हैं, गौतम जी यहाँ पर पूछते हैं, रोशन गौतम जी शायद इनका नाम है, ये पूछते हैं कि HTML सीखने के लिए वेबसाइट बताएं। गूगल पे आप बिल्कुल सर्च कर लीजिए जी, या फिर क्रोम पे सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी सीखने के लिए, ऑनलाइन आप सीख सकते हो। इंद्रपाल सर पूछते हैं 15,000 के रेंज में एक्सेसिबल फ़ोन बताएं। दो फ़ोन बताऊंगा, एक तो मोटो G40 फ्यूजन आप ले सकते हो, और या फिर आप रेडमी नोट 10 प्रो ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लूट प्लेयर जी पूछते हैं वीडियो के बीच में साइलेंट कैसे लगाएं। सर काइन मास्टर से पॉसिबल है, अगर आपके पास कोई नॉर्मल पर्सन है तो आप उनसे ये करवा सकते हो, या तो थोड़े दिन वेट कीजिए, काइन मास्टर के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश। आगे देखते हैं, गौतम प्रजापति जी पूछते हैं मैं भी आपकी तरह सोशल मीडिया पर आना चाहता हूँ। तो सर बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए लोगों के बीच में आइए, पहले लोगों को हेल्प कीजिए, आप खुद ही सोशल मीडिया पर आगे आ जाओगे, ठीक है। कैवल्य पाटिल जी पूछते हैं कि YouTube टीम से बात कैसे करें। YouTube टीम से बात करने के लिए किसी मोनेटाइजेशन हुए चैनल वाले को पकड़ो और उनसे बात करवा लो, या फिर आप ट्विटर पे जाके आप ट्वीट करो YouTube को, ठीक है। कंटेंट ओरिजिनल जी पूछते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में एप्लीकेशन को रिसेंट में लॉक कैसे करें। सर नहीं होते लॉक वहाँ पर एप्लीकेशन, सिर्फ रेडमी में होते हैं या फिर सैमसंग में होते हैं। अंशु सुमन जी पूछते हैं लैपटॉप का प्रोसेसर कैसे चेक करें। प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हो, कैसे जाना है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रवि यादव जी ये पूछते हैं कि रवि यादव जी हैं, ये पूछते हैं कि क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति मतलब फ़ोटो पर नाम लिख सकता है कि मतलब आपको फ़ोटो पे कैसा नाम लिखना है, मतलब आपको फ़ोटो को रीनेम करना है या फिर आपको फ़ोटो पे ही नाम लिखना है। अगर फ़ोटो पे ही नाम लिखना है तो आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू इमेज का यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई एक इमेज पे आपको नाम लिखना है तो आपके लिए पिक्सल लैब का इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेसिबल है। प्रिंस म्यूज़िक यहाँ पर पूछते हैं यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे बनाते हो। तो रिकॉर्ड करके बनाता हूँ अपने रेडमी के स्क्रीन रिकॉर्डर से। विनय चौरसिया जी पूछते हैं सबसे अच्छा डायलर कौन सा है। तो अभी दो दिन पहले मैंने ट्रू फोन का वीडियो बनाया था, आप उसका यूज़ कर सकते हो। संजय जी पूछते हैं डिलीट हुए वीडियो को वापस लाने के लिए वीडियो बनाए और एप्लीकेशन बताए। सर इसके लिए एप्लीकेशन भी बताएंगे और वीडियो भी बना देंगे, कुछ दिन रुक जाइए, ठीक है। तेजल जी पूछते हैं YouTube शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। वैसे तो जब हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालने के लिए ऑप्शन आता नहीं है, लेकिन जब हम एडिट करने जाते हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन आता है। वैसे आपको मेन्यू का बटन मिलेगा, वहाँ पर मेन्यू में आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर उनके टाइटल पर टैप करूँगे तो भी डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। भावेश जी पूछते हैं सैमसंग के फ़ोन में डाउनलोड की हुई रिंगटोन नोटिफिकेशन पे कैसे रखें। रिंगटोन सेटर नाम का एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर आपको सेटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा रिंगटोन्स में जाके, ठीक है। आगे उमेद उमर फारूक जी पूछते हैं कि क्लब हाउस में इनको ये एरर मैंने पढ़ा नहीं है, एक्चुअली ये क्लब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपको एक्टिव रहना है क्लब हाउस पे, तो आप एक्टिव रहोगे तो आपको भी ये ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखते हैं, शारदा पाठक जी पूछते हैं पहले तो थैंक यू आपको, और क्लब हाउस से अर्निंग होती है क्या। तो नहीं फ़िलहाल तो नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही सवाल थे आज के इस वीडियो में, तो ज़रूर आप लोगों ने गिने होंगे ही, क्योंकि काफ़ी सारे टाइम से मैं पूछ ही रहा हूँ कि आप लोगों ने मैंने कितने सवालों के जवाब दिए, क्योंकि मैं नहीं गिनता, आप लोगों ने गिने होंगे, लेकिन एक गिनती से अच्छा
आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सारे दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें इन्हें पहुँचाना है ताकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख पाए, हमारी यही कोशिश होती है। और मेरे आज के वीडियो में थोड़ा सा मेरा आवाज़ ख़राब होगा कोल्ड के कारण, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।